नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि लाडली बहनों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, इसलिए लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है। अभी से उपभोक्ताओं को बिजली बिल अधिक आने लगा है। राजगढ़ के राघोगढ़ क्षेत्र की रुठियाई गांव में महिलाओं ने बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत अधिकारियों से की है। महिलाओं का कहना है कि खपत से ज्यादा बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी हो गई है और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूर दूर तक चुनाव होने वाले नहीं है, इसलिए धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से निपटने के बाद सरकार ने महंगाई का तोहफा लोगों को दिया है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1,250 रुपए की राशि उतनी महिलाओं को नहीं मिलेगी जितनी वर्तमान में मिल रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना के जरिए 1,250 रुपए प्रति माह का लाभ दे रही है। बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी हमेशा गलत साबित हुई है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद लाडली बहना योजना बंद होने की भविष्यवाणी की थी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभी भी सफलतापूर्वक जारी है, हितग्राही महिलाएं योजना का लाभ उठा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, आगे भी पात्र लोग योजना से लाभान्वित होते रहेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।